नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 3 के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य पुस्तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का द्वितीय अध्याय पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6, आसमान में महल। इस पाठ में लेखक ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता का वर्णन किया है और यह बताने का प्रयास किया है कि परेशानी आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सूझबूझ का प्रयोग करते हुए उससे निपटने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। बादशाह अकबर विद्वानों का आदर करते थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे। उसमें कोई विद्वान, कोई गायक, कोई संगीतज्ञ, कोई चित्रकार तो कोई कवि था। उनमें बीरबल भी एक थे। उनकी चतुराई के अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। अकबर और बीरबल में गहरी मित्रता थी। बीरबल अपनी बातों से अकबर का मनोरंजन करते थे। वे कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर बड़ी चतुराई से देते थे। कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वे लोग किसी भी तरह से बीरबल को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। एक दिन दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे, लेकिन बीरबल वहाँ नहीं था। अच्छा मौका देखकर राजा ने कहा, धरती पर हमें कई महल और किले बनवाए हैं। हम चाहते हैं कि एक महल आसमान में भी बनवाया जाए। क्या आसमान में महल बनवाया जा सकता है? सभी दरबारियों ने कहा, यह कार्य तो बिल्कुल असंभव है। अकबर ने कहा, आप लोग सोचकर कोई उपाय निकालिए। सभी लोग चुप रहे। बीरबल से ईर्ष्या रखने वाले एक दरबारी बोला, हुजूर, एक बीरबल ही आसमान में महल बनवा सकते हैं। उसी समय बीरबल भी दरबार में आ पहुँचे। अकबर ने कहा, बीरबल, हम आसमान में एक महल बनवाना चाहते हैं, क्या यह बन सकता है? बीरबल ने कहा, हाँ बन सकता है। तो सभी दरबारी आश्चर्यचकित होकर बीरबल का मुंह देखने लगे। अकबर ने पूछा, क्या सचमुच आसमान में महल बनवा सकते हो? बीरबल ने कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो अवश्य ही बनवा दूंगा। अकबर ने कहा, यदि तुम आसमान में महल बनवा दो तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। हुजूर, यह काम बहुत कठिन है, इसमें बहुत सारा धन और समय लगेगा। बीरबल ने कहा, तुम धन और समय की चिंता मत करो, जितना धन चाहिए खजाने से ले लो। बस तुम इतना बताओ कि आसमान में महल बनवाने में कितना समय लगेगा? अकबर ने पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, इसकी तैयारी में ही 1 महीना लग जाएगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम तैयारी आरंभ कर दो। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरी एक शर्त है, महल बनवाने वाले कारीगरों का प्रबंध मैं कर दूंगा, किंतु वहां तक सामान पहुंचाने का प्रबंध आपको करवाना होगा। अकबर ने बिना सोचे समझे कहा, ठीक, हम सामान का प्रबंध करा देंगे। घर जाकर बीरबल ने नौकर से 50 तोते खरीद कर लाने को कहा। बीरबल ने उन तोतों को पिंजरे में बंद कर दिया। वे रोज उन्हें बोलना सिखाते हुए तोतों को बुलवाते थे, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। 1 महीने में तोते इन शब्दों को बोलने लगे। वे दिन भर इन्हीं शब्दों को रटते रहते थे। 1 महीने बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे आसमान में महल बनवाने की तैयारी कैसी चल रही है? बीरबल ने कहा, हुजूर, कारीगर तैयार हैं, वे कल आसमान में पहुंच जाएंगे और काम शुरू कर देंगे। किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। दूसरे दिन बीरबल ने 50 मजदूर बुलाए और प्रत्येक को एक एक पिंजरा दे दिया। फिर दरबार के चारों ओर खड़ा कर दिया। उनसे कहा, जब मैं सूचना भिजवाऊँ तब इन तोतों को पिंजरे से उड़ा देना। बीरबल दरबार में पहुंचे। सभी बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बीरबल ने अपने नौकरों से कहा, जाओ कारीगरों से कहो कि आकाश में पहुंच जाए। नौकर ने बाहर जाकर मजदूरों को संकेत किया। उन्होंने सारे तोते को पिंजरे से उड़ा दिया। वे महल के ऊपर उड़ने लगे और सीखे सिखाए शब्द को बोलने लगे, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। सभी दरबारियों और अकबर ने भी यह शब्द सुने। बीरबल ने कहा, हुजूर, कारीगर तो आसमान में पहुंच गए हैं, वे सामान मांग रहे हैं, शर्त के अनुसार आप सामान पहुंचाने का प्रबंध करें। सभी लोग चकित होकर महल से बाहर आ गए। अभी भी ऊपर से वही आवाज़ें सुनाई दे रही थी, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। कुछ देर तक किसी की भी समझ में नहीं आया। जब मालूम पड़ा कि ये सब तोते बोल रहे हैं तो सभी हंसने लगे। बीरबल की चतुराई से अकबर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी मोतियों की मूल्यवान माला बीरबल के गले में पहना दी। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा किसी भी मुश्किल का सामना बड़ी चतुराई से करना चाहिए, विद्वानों का आदर करना चाहिए और किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।